सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले, यदि आपके पास रियलमी की ओल्ड डिवाइस है, रियलमी 7, रियलमी नार्जो 20 प्रो और रियलमी नार्जो 30 4G की तीन डिवाइसों के लिए रियलमी ने जनवरी मंथ में न्यू वर्जन का अपडेट रोल आउट कर दिया है। और साथ ही इस अपडेट के बाद कौन कौन से डिवाइसों में रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉयड 13 का अपडेट देखने को मिलने वाला है या मिलेगा, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, यदि आपके पास रियलमी नार्जो 30 और रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो की डिवाइस है, तो आपको दिखा देते हैं कि कौन सा अपडेट इस मंथ में आपके लिए रोल आउट हुआ है और इस अपडेट के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम को आपके डिवाइस में फिक्स किया गया है, मैं वो भी आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रियलमी की ओर से आपसे लिए यहाँ देख रहे होंगे, यदि आपके पास रियलमी नार्जो 30 की डिवाइस है तो इसमें आपको यह 12 का न्यू वर्जन, यानी देख रहे होंगे यहाँ पे RMX 2156 और यह 12 का न्यू वर्जन का अपडेट रियलमी की ओर से आपसे लिए रोल आउट किया गया है, जो कि आपको जनवरी मंथ का सिक्योरिटी पैच और OTA अपडेट देखने को मिल रहा है। और बात की जाए इस अपडेट में कौन कौन से प्रॉब्लम को फिक्स किया गया, तो मैं आपको बता दूं, केवल इसमें आपको सिक्योरिटी पैच न्यू देखने को मिल रहा है और आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस और सिस्टम के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव बस किया गया है और कोई भी चेंज इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस डिवाइस में एंड्रॉयड 12 का अपडेट के बाद एंड्रॉयड 13 का भी अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। उससे आगे देख लेते हैं कि रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो में कौन कौन सा अपडेट देखने को मिल रहा है और क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो यदि आपके पास रियलमी 7 की डिवाइस है या और रियलमी नार्जो 20 प्रो की, तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों डिवाइसों में सेम वर्जन का अपडेट यहाँ पे देख रहे होंगे। जनवरी मंथ का 2161 का आपको मॉडल नंबर देखने को मिलता है रियलमी नार्जो 20 प्रो का और यह अपडेट 12 का, इसमें भी सेम वर्जन का अपडेट किया गया है और सेम चेंज लॉक डिटेल देखने को मिल जाता है। केवल इसके सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को स्टेबल किया गया और कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर यदि आपके पास रियलमी 7 की डिवाइस है तो इसमें भी सेम वर्जन का अपडेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉडल नंबर, यहाँ पर रियलमी 7 का RMX 2151 का मॉडल नंबर देखने को मिलेगा और यह अपडेट 12 का न्यू वर्जन का अपडेट देखने को OTA मिल रहा है और इसमें भी चेंज लॉक सेम देखने को आपको मिलेगा। जनवरी और दिसंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जा रहा है और इसमें आपको आपका जो सिस्टम है उसके स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को स्टेबल किया गया और कोई इसमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात की जाए रियलमी नार्जो 30 और रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो में, तो रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो को तो एंड्रॉयड 13 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, 100% कन्फर्म है। लेकिन रियलमी नार्जो 30 को 100% अपडेट मिलना चाहिए, क्योंकि रियलमी अपने डिवाइस जब लॉन्च किया था रियलमी नार्जो 30, तब प्रोमिस किया था कि उसमें दो मेजर अपडेट देगा। तो रियलमी नार्जो 30 जो डिवाइस था वो रियलमी की ओर से एंड्रॉयड 11 के साथ ऑफिशियली रोल आउट हुआ था, लेकिन जो रोडमैप देखने को मिला रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉयड 13 का, उसमें रियलमी नार्जो 30 का कोई भी नेम मेंशन नहीं है। और वहीं पे आपको मैं बता दूं कि रियलमी प्रोमिस किया था कि दो मेजर अपडेट देखने को मिला था मिलेगा इस डिवाइस में। तो मान लीजिए पहला अपडेट तो एंड्रॉयड 12 का मेजर अपडेट देखने को मिल गया एंड्रॉयड 11 पे आपको जो लॉन्च किया था रियलमी नार्जो 30, और एक अपडेट इसमें और भी मेजर मिलना चाहिए था, लेकिन अभी रियलमी की ओर से इसके लिए कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। तो आगे देखते हैं, यदि कोई भी कन्फर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा।